गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर फर्स्ट चैप्टर अगेन, दैट इज़ अ लेटर टू गॉड. लेट्स सी इट्स इंट्रोडक्शन. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. एंड एज यू ऑल नो दैट इट्स अ स्टोरी अबाउट अ पुअर फार्मर लंचो. एक लंचो की स्टोरी है हु इज़ हैविंग अ अनवेवरिंग बिलीफ ऑन गॉड, जिसका कि भगवान के ऊपर अंधविश्वास है. एंड वो जब उसकी क्रॉप ख़राब हो जाती है, देन ही आस्क अ हेल्प फ्रॉम द गॉड. वो भगवान से हेल्प मांगता है, उसकी जो हेल्प है वो फुल, मतलब उसकी जो विश होती है वो फुलफ़िल हो जाती है. बट स्टिल ही शोज हिज अनग्रेटफुलनेस टूवर्ड्स द पीपल हु हेल्प हिम. लेकिन फिर भी लास्ट में वो उन लोगों के प्रति अपनी जो मतलब थैंकलेसनेस शो करता है, जिसने कि उनको हेल्प की हुई होती है, जो कि पोस्ट मास्टर था. ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं. वट इज़ बीन रिटन इन दिस दिस स्टोरी रिलेटेड टू गॉड बाई जी एल फ्यूंटेस रिवॉल्व अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल बिलीफ इन समथिंग. जो स्टोरी है रिलेटेड टू गॉड, जो कि जी एल फ्यूंटेस ने लिखी है, वो एक ऐसे आइडिया के आसपास घूमती है जिसमें कि जो एक इंसान है वो अनक्वेश्चनेबल, मतलब बिना कोई क्वेश्चन किए विश्वास रखता है किसी चीज़ के ऊपर. द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री. जो स्टोरी है वो लैटिन अमेरिकन कंट्री की है. लंचो द फार्मर हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. प्रोटैगनिस्ट मीन्स द मेन कैरेक्टर. जो लंचो है फार्मर, वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है. राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि भगवान को एक लेटर लिखता है. सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ऑल माइटी आफ्टर डिस्कवरिंग हिज एंटायर क्रॉप यील्ड डिस्ट्रॉय बाय अ डिवास्टिंग हेलस्टॉर्म. जो कि मतलब भगवान से हेल्प मांगता है. ऑल माइटी मीन्स ऑल पावरफुल जो भगवान है, उससे हेल्प मांगता है. जब वो ये देखता है कि उसकी जो पूरी क्रॉप है वो ख़राब हो गई है, किसमें, एक जो भयंकर तूफान आया था उसके साथ जो ओले गिरे थे उसमें. एल्दो हिज विशेज गेट फुलफिल पार्शली इफ़ नॉट कम्प्लीटली, ही इज अनग्रेटफुल इन द एंड एंड क्वेश्चंस द ऑनेस्टी एंड मॉडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर्स हु एक्चुअली हेल्प हिम विद मनी इन द नेम ऑफ गॉड. मीन्स एल्दो, हालांकि उसकी जो विश थी वो पूरी हो गई थी, कम्प्लीटली पूरी नहीं हुई थी, पार्शली हुई थी, क्योंकि एज यू ऑल नो दैट ही गॉट ओनली 70 पीसोज इन प्लेस ऑफ 100. 100 की जगह उसको सिर्फ 70 पीसोस ही मिले थे. जो उसकी विश थी वो पार्शली फुलफिल हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी जो थैंकलेसनेस थी वो शो की थी, और जो ऑनेस्टी थी, ईमानदारी थी, और जो मॉडेस्टी थी पोस्ट मास्टर्स की, उसके ऊपर उसने क्वेश्चन रेज किया था. एक्चुअली तो पोस्ट मास्टर ने उनको हेल्प किया था, बट स्टिल ही वॉज क्वेश्चनिंग दैम, मतलब उनके ऊपर वो क्वेश्चन कर रहा था जो प्रेजेंट है, और जो प्रेजेंट नहीं है उसके ऊपर उसको अनवेवरिंग बिलीफ था. तो इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. लेट्स डू द समरी ऑफ इट. एक बार इसकी समरी देख लेते हैं. द स्टोरी रिलेटेड टू गॉड बाई जी एल फ्यूंटेस डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड. जो रिलेटेड टू गॉड है जी एल फ्यूंटेस ने लिखा है, वो एक अनवेवरिंग मतलब बिना हिले हुए विश्वास है एक फार्मर का भगवान के ऊपर. इट बिगिंस विद अ फार्मर. वो एक फार्मर, मतलब ये जो स्टोरी है वो एक फार्मर किसान से शुरू होती है. नेम्ड लंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर टू नॉरिश हिज फील्ड ऑफ गॉड, जिसका कि नाम लंचो है. मतलब ये जो स्टोरी है एक फार्मर से शुरू होती है जिसका नाम लंचो है, जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है. वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मतलब अच्छी बारिश हो जाए, ताकि उसकी जो कॉर्न की फील्ड्स हैं, ताकि उसकी जो कॉर्न की फसल है वो और ज़्यादा नॉरिश कर जाए और ज़्यादा अच्छी हो जाए. ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज़ गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर. अब उसको पूरा विश्वास है कि उसका जो हार्वेस्ट है, उसकी जो कटाई होगी, उसकी जो क्रॉप आएगी, तो उससे उसको बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है, जैसे कि उसको हर साल होता है. टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट रेन फॉल डिड हैपन, बट सूनर इट टर्न इन टू अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग हिज एंटायर क्रॉप फील्ड. कहते कि उसकी एक्साइटमेंट के अकॉर्डिंग जो बारिश थी वो शुरू तो हो गई, लेकिन जल्दी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हेल स्टॉर्म में. जल्दी वो तूफान में, जो ओले वाला तूफान था उसमें कन्वर्ट हो गई, और जिसकी वजह से उसकी जो पूरी क्रॉप थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, ख़राब हो गई, बर्बाद होगी. द डैमेज पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल एज द इंटायर लाइवलीहुड वॉज डिपेंडेंट ऑन द ईयर्स प्रोड्यूस. अब जो फसल ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से उनकी जो पूरी फैमिली थी वो खतरे में आ गई थी कि अब वो पूरे साल क्या खाएंगे, क्योंकि वो जो फैमिली थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड थी, वो फसल के ऊपर ही डिपेंड थी. अब फसल ख़राब हो गई थी तो अब वो सोच रहे थे कि वो क्या खाएंगे, बिकॉज आसपास कोई और घर भी नहीं था. ही वॉज हैविंग अ सॉलिटरी हाउस. उनका अकेले का ही घर था, जैसे कि हम सबको पता ही है.
तो दे ऑल वर इन डेंजर नाउ, मतलब वो खतरे में थे कि वो पूरे साल अब क्या खाएंगे क्या करेंगे। एल्दो डिसहार्टन द फैमिली हैड ड्रॉप बस बिलीफ इन द ऑलमाइटी। हालांकि वो बहुत उदास थे लेकिन जो फैमिली थी उनका अटल विश्वास था भगवान के ऊपर, ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिशाली के ऊपर। लैंचो डिस्पाइट हैविंग वर्क डे एंड नाइट एट द फील्ड न्यू हाउ टू राइट एंड दस डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन एंड आस्किंग फॉर हेल्प। जो लैंचो था मतलब वो दिन रात काम करता था फील्ड्स में खेतों में, लेकिन फिर भी उसको पढ़ना और लिखना आता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा और उसमें अपनी वो जो पोजीशन है उसको एक्सप्लेन करेगा और उनसे मदद मांगेगा। ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर। वो टाउन में जाता है, वो शहर में जाता है और लेटर पोस्ट कर देता है एड्रेस टू गॉड। किसको पोस्ट कर देता है? गॉड को। द लेटर ऑन बींग नोटिस बाय द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट अम्यूज हिम बट देन मोटिवेटेड हिम वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर सो एज टू कीप हिज इमेंस बिलीफ इन फैक्ट। मैंने जो लेटर उसने पोस्ट किया था उसको पोस्ट मास्टर ने देखा, पहले तो वो बहुत खुश हो गया लेकिन बाद में उसको मोटिवेट होना पड़ा, अपने आप को मतलब उत्साहित करना पड़ा कि वो जो फार्मर है उसको उसे हेल्प करना पड़ेगा ताकि जो उसका विश्वास है भगवान के ऊपर वो बना रहे। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कुलीग्स। उसने जो अपनी सैलरी था उसका कुछ पार्ट डोनेट किया उसके लिए और जो उसके कुलीग्स थे उससे कुछ पैसे लेकर उसको दिए। एंड फ्रेंड्स हु विलिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और कुछ दोस्तों से इकट्ठे किए जो कि मतलब चैरिटी करने में विश्वास करते थे। टू हिज डिसमे ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पीसोस विच ही रैप्ड इन एन एनवेलप टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द डिक्टी। कहते हैं कि उसको इतना सब करने के बाद भी वो सिर्फ 70 पीसोस ही कलेक्ट कर पाया, 100 पीसोस नहीं कलेक्ट कर पाया। जो लैंचो था उसने 100 पीसोस की डिमांड की थी भगवान से, ही आज फॉर द 100 पीसोस सो दैट मीन्स ही कैन ग्रो हिज क्रॉप अगेन एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर ही कैन सर्वाइव। ही कैन सर्वाइव। वो 100 पीसोस मांगे थे ताकि मतलब दोबारा से क्रॉप ग्रो कर सके और जो मतलब और पूरा साल वो और उसकी फैमिली आराम से खाना खा सके। लेकिन जो पोस्ट मास्टर था जब उसने पैसे कलेक्ट करना शुरू किया तो ही वॉज़ एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पीसोस और उसने उसको रैप किया और उसको लंचो को रिप्लाई कर दिया एंड इन रिप्लाई ही राइट फ्रॉम गॉड। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर द राइटर इज नॉट एट ऑल शॉक्ड। मतलब जैसे ही उसको वो लेटर मिलता है तो लंचो बिल्कुल भी शॉक नहीं होता, बिल्कुल भी वो सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसको बिलीव होता है कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे, तो उसको कोई भी मतलब कोई भी उसको झटका नहीं लगता, कोई भी उसको सरप्राइज नहीं होता। बट इंस्टेड ही गेट्स एंग्री ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज लेस देन वट ही हैड एक्सपेक्टेड। मतलब उसको सरप्राइज होने के बजाय उसको गुस्सा आता है। गुस्सा किस बात पे आता है कि उसने तो 100 पीसोस मांगे थे लेकिन 100 की जगह उसको कितने मिले? 70 मिले। तो ही गॉट एंग्री। ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड। वो फिर से जो गॉड है उसको लेटर लिखता है कन्वेइंग हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हु ही हैड थॉट स्टॉलन द रिमेनिंग अमाउंट। मतलब फिर जो रिप्लाई करता है उसमें वो भगवान को फिर से रिप्लाई करता है, उसमें अपना जो डिसअपॉइंटमेंट है जो सैडनेस है उसको शो करता है और जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर अविश्वास जो है वो शो करता है जिन्होंने उनको हेल्प किया था। उसको क्या लगता है कि बाकी के जो 30 पीसोज हैं वो किसने चुराए हैं? पोस्ट मास्टर ने चुराए हैं। आई होप द स्टोरी इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। एक बार इसको फिर से हिंदी में रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो है उसके डिस्कस कर लेंगे। मीन्स जो लैंचो होता है वो एक पुअर फार्मर होता है एंड ही वॉज लिविंग अलोन इन द मिडस्ट ऑफ द वैली। अकेला ही रहता है वैली के एक्सक्यूज मी वैली में। तो उसकी जो कॉर्न की जो फसल है वो ऑलमोस्ट रेडी है कटाई के लिए, बट ही वॉज एक्सपेक्टिंग फॉर ए रेन। वो रेन के लिए एक्सपेक्ट करता है, बारिश आती है बट सडनली टर्न इन टू द हेल स्टॉर्म। वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एंड ऑल हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड और उसकी जो क्रॉप होती है वो सारी ख़राब हो जाती है।
लेंचो हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड, जो लेंचो था उसको बहुत विश्वास था भगवान के ऊपर, तो वो भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें कि वो 100 पीसोस की डिमांड करता है ताकि वो जो अपने फील्ड्स हैं उनको दोबारा से ग्रो कर सके और जो उसकी फैमिली है थ्रू आउट द ईयर वो सर्वाइव कर सके। जो पोस्ट मास्टर होता है ही इज़ एन एमिएबल मैन, वो एक फ्रेंडली पर्सन होता है एंड इट डजंट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ ऑन गॉड, वो नहीं चाहता कि उसका जो विश्वास है वो भगवान पर से हिले, दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, उसको हेल्प करने का डिसाइड करता है। बट एज यू ओपन द लेटर ही गेट टू नो दैट ही नीड समथिंग एल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद हिज विश, कि उसको अपने विश के साथ साथ कुछ और भी जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसने अपनी सैलरी का एक पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट किया, अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे कुछ कलेक्शन की, जिसके फ्रेंड्स को चैरिटी करना चाहते थे उनसे कलेक्शन की। बट आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स ही वॉज ओनली एबल टू कलेक्ट 70 पीसोस, सिर्फ वो 70 पीसोस ही कलेक्ट कर पाया। देन ही रॉट अ लेटर टू, देन ही रिप्लाई टू लेंचो, वो लेंचो को रिप्लाई करता है। बट जैसे ही लेंचो को वो लेटर मिलता है ही बिकम वेरी एंग्री एंड ही रॉट अ लेटर अगेन टू द गॉड, वो दोबारा से गॉड को लेटर लिखता है इन विच ही आस्क फॉर द रेस्ट ऑफ हिज मनी, जिसमें कि वो अपने जो बाकी बचे हुए पैसे हैं उनकी डिमांड करता है और वो कहते हैं भगवान को कि इस बार जो है वो पैसे जो है वो मेल से ना भेजे। मेल से पैसे क्यों ना भेजे? बिकॉज दिस पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि वो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो उनके पैसे चुरा लेते हैं। हेयर द स्टोरी एंड्स, और यहाँ पर जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। हु वॉज लेंचो? लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर और लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। और इसमें आप वो भी मेंशन कर सकते हो, हु लिव्ड इन अ सॉलिटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल। व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स, उसकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो क्या थी? उसकी मेन प्रॉब्लम यही थी कि जो हेल स्टॉर्म था उसकी वजह से उसकी जो पूरी फसल थी वो ख़राब हो गई थी। तो यही लिखना है, ड्यू टू हेल स्टॉर्म हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, सो ही नीडेड मनी टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली। दीज वर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ लेंचो, क्योंकि वो जो हेल स्टॉर्म था, जो तूफान आया था, उसकी वजह से उनकी जो पूरी फसल थी वो ख़राब हो गई थी, इसलिए उसको कुछ पैसे चाहिए थे ताकि वो अपने फील्ड्स को दोबारा से ग्रो कर सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। यही प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्यू फ्रॉम लेंचोज हाउस। आपको जो व्यू था लेंचो के हाउस से वो उसको डिस्क्राइब करना है। तो लेंचो हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। जो लेंचो का घर था वो कहाँ पर सिचुएटेड था? एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी के ऊपर। एंड इट वॉज द ओनली वन इन द वैली, और उसका अकेला ही घर था पूरी वैली में, मतलब अकेला ही रहता था वहाँ पर। वन कुड ईजिली सी द रिवर इन द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न फ्रॉम हेयर, मतलब एक जो इंसान है वो क्या देख सकता था उसके घर से? रिवर, और जो कॉर्न की फसल जो पक गई थी खेतों में उसको देख सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू एंड व्हाई। जो लेंचो था उसने रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया था और क्यों? तो ही हैज कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद द 5 पीसोस एंड 10 पीसोस, है ना, न्यू कॉइन से उसने उसको कंपेयर किया था। क्यों कंपेयर किया था? बिकॉज इट इज़ अ प्रॉमिस ऑफ गुड हार्वेस्ट फॉर हिम, क्योंकि वो जो रेन ड्रॉप्स थे वो किसको प्रॉमिस कर रहे थे? एक अच्छी हार्वेस्ट को, एक अच्छी फसल को प्रॉमिस कर रहे थे। वही लिखना है, लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स बिकॉज द क्रॉप नीडेड द रेन बैडली। उसने कंपेयर किया था रेन ड्रॉप्स को नए कॉइन्स के साथ, क्योंकि जो क्रॉप थी उसको जो रेन थी वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड इट वाज अ साइन ऑफ अ गुड हार्वेस्ट, और वो किसका साइन था? एक अच्छी फसल का साइन था। गुड हार्वेस्ट मीन प्रॉस्पैरिटी फॉर लेंचो। गुड हार्वेस्ट का मतलब था कि लेंचो के लिए प्रॉस्पैरिटी, लेंचो के लिए पैसा आना। एज ही नीडेड द मनी टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, क्योंकि उसको जो पैसा था वो अपनी जो बेसिक नीड्स थी उसको फुलफिल करने के लिए चाहिए था। Why did Lencho write a letter to God? अब Lencho ने letter क्यों लिखा था God को? He wrote a letter to God to asking for the 100 pesos, है ना, तो so that means he can grow his field again. तो
वही लिखना है इसमें, व्हेन लेंचो'स क्रॉप्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म ही रॉट अ लेटर टू गॉड। जब लेंचो की क्रॉप पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी हेल स्टॉर्म से, तो उसने एक लेटर लिखा था गॉड को, बिकॉज ही वॉज द ओनली होप इन हिज डिस्पेयर, क्योंकि वही एक आखिरी उम्मीद थी उसके डिस्पेयर में, सैडनेस में। लेंचो आस्क हिम टू सेंड 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली। जो लेंचो था उसने मतलब भगवान को कहा था कि उसको 100 pesos भेज दे ताकि वो अपने फील्ड्स को फिर से ग्रो कर सके और अपनी जो फैमिली है उसको सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एंड हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, मतलब जो पोस्ट मास्टर था उसने उसको क्यों और कैसे हेल्प की, क्यों हेल्प की, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि उसका विश्वास जो है भगवान पर से हिले। तो ये लिखा है द पोस्ट मास्टर वॉज डिटरमाइंड टू हेल्प लेंचो, ही डिड नॉट वॉन्ट लेंचोज फेथ इन गॉड टू बी शेकन। जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत डिटरमाइंड था कि वो लेंचो को हेल्प करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो लेंचो का विश्वास है भगवान के ऊपर से वो हिले। सो ही आस्क हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स टू हेल्प लेंचो, इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने दोस्तों को कहता है कि वो लेंचो को मदद करे। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके लिए उसने अपनी जो एक सैलरी का एक पार्ट था उसको कॉन्ट्रीब्यूट किया था ताकि वो जो ये एक्ट है चैरिटी का उसमें उसको हेल्प कर सके। फॉर हिज एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब जो चैरिटी में दान करना, जो वो दान कर रहा था उसमें वो उसकी हेल्प कर सके, उसने अपने फ्रेंड्स को भी बोला था। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, अब मनी कितने पैसे चाहिए थे उसको 100 pesos, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, उसको तो 100 pesos चाहिए थे। हाउ मच डिड ही गेट, उसको कितने मिले थे, 70 मिले थे। लेंचो गॉट 70 pesos, लेंचो को कितने मिले थे, 70 pesos। ही वॉज एंग्री एट द डिफरेंस एज ही नीडिड 100 pesos, मुझे बहुत गुस्सा आया था उस डिफरेंस के ऊपर क्योंकि उसको 100 pesos की रिक्वायरमेंट थी टू सो द क्रॉप्स अगेन, ताकि अपनी जो क्रॉप है उसको फिर से ग्रो कर सके एंड टू सपोर्ट हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, जब तक कि जो अगली फसल है वो तैयार नहीं हो जाती। तो ही नीडेड 100 pesos बट ही गॉट ओनली 70, उसको 100 pesos की रिक्वायरमेंट थी लेकिन उसको मिले कितने थे, 70 ही मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड लेंचो नॉट वॉन्ट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल, जो लेंचो था वो क्यों नहीं चाहता था कि उसको जो पैसे वो मेल से आए मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू आए, वो नहीं चाहता था उसको पैसे जो है पोस्ट ऑफिस से है, क्योंकि उसको लगता था कि जो 30 pesos है वो किसने चुराया है, पोस्ट मास्टर ने चुराया। लेंचो रोट इन अ सेकेंड लेटर दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos बट ही नीडेड 100 pesos। लेंचो ने लिखा भगवान को सेकेंड टाइम कि उसको सिर्फ 70 pesos ही मिले हैं लेकिन उसको कितने पेसोज की रिक्वायरमेंट थी, 100 pesos की। ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी बाय पोस्ट सिंस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि जो बाकी के पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस से ना भेजें क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब वो चोरों का झुंड है, एंड वुड स्टील द मनी, और वो जो उसके पैसे हैं उसको चुरा लेते हैं। डू यू थिंक द लेंचो वॉज राइट टू कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब तुम्हें लगता है कि जो लेंचो था वो ठीक था, ऑब्वियसली वो बिल्कुल गलत था क्योंकि उन्होंने तो उनको हेल्प किया था, why और why not? तो इसका आंसर सिंपल है, लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक एज ही डिड नॉट गेट फुल मनी दैट ही हैड डिमांडेड। जो लेंचो था उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहा था क्योंकि उसको पूरे पैसे नहीं मिले थे जितने उसने डिमांड किए थे। ही कुड नॉट बिलीव दैट गॉड हैड सेंट हिम ओनली लेस मनी सो ही डाउटेड दीज पीपल, अब उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि भगवान कोई गलती कर सकते हैं और उसको कम पैसे भेज सकते हैं, इसीलिए उसने जो लोग थे उनके ऊपर डाउट किया था। बट ही वॉज नॉट राइट, वो बिल्कुल भी सही नहीं था टू कॉल देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोलने के लिए। दीज आर द स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू डू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप में आपने अभी रिसेंटली हैड टेकन अ टेस्ट इन दैट यू हैड रिटन ओनली शॉर्ट आंसर्स, उसमें आपने बहुत छोटे छोटे आंसर्स लिखे थे। तो लेट मी टेल यू मीन्स इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मीन्स इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 6 marks, अगर 6 marks का क्वेश्चन है देन यू हैव टू राइट एटलीस्ट 150 to 200 words, तो मतलब वो एक पेज का होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी केयरफुल मीन्स इन 2 marks क्वेश्चन यू हैव टू राइट 30 to 40 words, एंड इन 4 marks क्वेश्चन यू कैन राइट 40 to 80 words,
एंड इन 6 मार्क्स और 8 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू राइट एटलीस्ट 150 to 200 वर्ड्स. तो नेक्स्ट टाइम यू नीड टू बी मोर केयरफुल अबाउट इट. इस बार ये गलती मत करना, अदरवाइज आई वॉन्ट गिव यू द फुल मार्क्स. फाइन, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज लैंचो एंड वट सर्कमस्टांसेज फोर्स हिम टू राइट अ लेटर टू गॉड. लैंचो कौन था और मतलब कौन सी सिचुएशंस थी जो उसको फोर्स कर रही थी कि वो लेटर लिखे गॉड के लिए. तो सबको पता है दैट ही वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड विद हिज फैमिली इन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल. वो जो मतलब वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था जो कि क्रेस्ट ऑफ द हिल लो हिल में रहता था, अकेला ही रहता था. ही वॉज वेरी केयरिंग एंड गॉड लविंग मैन. वो बहुत केयरिंग और गॉड लविंग मैन था. दो ही वॉज अ फार्मर ही कुड रीड एंड राइट. मतलब एक फार्मर था फिर भी वो लिख सकता था और पढ़ सकता था. ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर अ रेनफॉल. वो बारिश के लिए वेट कर रहा था सो इन ऑर्डर टू गेट अ गुड हार्वेस्ट, ताकि उसको एक अच्छी फसल मिल सके. बट ही बिकेम हैप्पी व्हेन इट केम. वो बहुत खुश था जब वो बारिश आई. बट द प्लीजिंग रेन चेंज इन टू हेल स्टॉम एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप. लेकिन जो वो अच्छी बारिश थी वो अचानक से हेल स्टॉम में चेंज हो गई और उसने उसकी जो पूरी फसल थी उसको ख़राब कर दिया. ही बिकेम सैड एंड वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली एज दे माइट रिमेन हंग्री दैट ईयर. वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था और बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो गया था क्योंकि उसकी जो फैमिली थी वो भूखी रहने वाली थी उस साल में. हिज लास्ट होप वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड. उसकी आखिरी जो उम्मीद थी वो यही थी कि वो भगवान से उसको हेल्प मिले. एज ही हैड कम्प्लीट फेथ इन हिम. मतलब क्योंकि उसको भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था. हैंस ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड 100 pesos टू सर्वाइव एंड टू री हार्वेस्ट. इसीलिए वो एक लेटर लिखता है भगवान को ताकि उसको 100 pesos भेज के उसकी हेल्प करे ताकि वो सर्वाइव कर सके और दोबारा से अपनी जो क्रॉप है उसको ग्रो कर सके. कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो. लैंचो का कैरेक्टर स्केच लिखना है. डेफिनेटली वो हार्ड वर्किंग है, ऑप्टिमिस्टिक है, अनक्वेश्चनेबल बिलीफ है गॉड के ऊपर उसको. ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें जो इसमें आपको लिखनी है. लैंचो वॉज अ सिंपल मैन एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर. वो एक सिंपल मैन है और बहुत हार्ड वर्किंग करने वाला फार्मर है. एंड ही वर्क एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड. और वो बिल्कुल बैलों की ऑक्स इन द फील्ड एक ईडियम है जिसको यहाँ पर यूज़ किया गया है. हार्ड वर्किंग के लिए यूज़ करते हैं इसको. तो ही वॉज जस्ट वर्किंग एज एन ऑक्स इन द फील्ड. वो बिल्कुल ऑक्सेस की तरह फील्ड में काम करता है, मतलब बहुत मेहनत करता है. लैंचोस क्रॉप वर बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म. उसकी जो पूरी क्रॉप थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी हेल स्टॉर्म में. सो ही बिकेम वेरी सैड. इसलिए बहुत ज़्यादा उदास हो गया था. एज ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली. क्योंकि वो अपनी फैमिली के लेकर बहुत ज़्यादा वरीड था. ही वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. वो बहुत ज़्यादा आशावादी इंसान था. एल्दो हिज ऑनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज टेकन अवे. हालांकि उसका जो एकमात्र सोर्स था, उसके जीने का जो एकमात्र साधन था, वो भी उससे छीन लिया गया था. कौन सा था वो? मीन्स क्रॉप्स जिसको बेच के कि वो सर्वाइव कर पाता, वो भी उससे छीन लिया गया था. ही डिड नॉट लूज होप. लेकिन फिर भी वो अपनी उम्मीद छोड़ता नहीं है. ही हैड हिज लास्ट होप इन गॉड. उसकी जो आखिरी उम्मीद थी वो भगवान से थी. ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस. उसको पूरा विश्वास था कि जो गॉड है उसको भगवान है उसकी हेल्प करेगा इस डिस्ट्रेस में, इस मुसीबत में. लैंचो वॉज एन इनोसेंट एथीस्ट. एथीस्ट मीन्स जो बिलीव करते हैं भगवान के अंदर. वो एक इनोसेंट एथीस्ट था, भगवान के ऊपर विश्वास करने वाला इंसान था. हु डिड नॉट नो दैट देयर वॉज सो मच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेव हिम मनी. वो ये बात नहीं जानता था कि मतलब इस दुनिया में जीते जागते भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भगवान जैसे, जो कि उसको पैसा भेज सकते हैं. ही हैड ब्लाइंड फेथ इन गॉड एंड सॉट सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम फ्रॉम गॉड ओनली. इसको करेक्ट कर लेना, फ्रॉम गॉड ओनली. मतलब उसका ब्लाइंड फेथ था भगवान के ऊपर और वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम को सोचता था कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ भगवान ही सॉल्व कर सकते हैं. कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्टमास्टर. पोस्टमास्टर का कैरेक्टर स्केच लिखना है. डेफिनेटली ही वॉज एन एमिएबल मैन, एमिएबल पर्सन था एंड चैरिटेबल था और एम्पथैटिक था. एम्पथैटिक मीन्स जो दूसरों से सिंपथी रखते हैं. तो वही सब लिखना है. एमिएबल इज द राइट वर्ड. यू कैन यूज़ दैट वर्ड बिकॉज वो बुक में भी आपको दे रखा है. द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड अ फ्रेंडली फेलो. इसने फ्रेंडली लिखना है, अब एमिएबल लिख सकती हूँ. जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट और फ्रेंडली फेलो था. He was a sensible human being.
ही फर्स्ट लाफ लुकिंग एट द लेटर विच हैड अ स्ट्रेंज एड्रेस. मतलब पहले तो वो हंसने लगा ये देख के जिसके ऊपर की बहुत ज़्यादा अजीब सा एड्रेस लिखा हुआ था. एड्रेस क्या लिखा हुआ था? टू गॉड. बट सून ही बिकम सीरियस. ही वॉज सरप्राइज द फेथ द लैंचो हैड इन गॉड. ही वॉन्टेड हिज फेथ नॉट टू बी शेकन. मतलब जल्दी वो सीरियस हो गया लेकिन, और वो बहुत सरप्राइज था ये देख कर कि मतलब जो लैंचो है उसको भगवान के ऊपर कितना विश्वास है, और वो नहीं चाहता था कि जो लैंचो का वो विश्वास है वो भगवान के ऊपर से हिले. इसलिए जो पोस्ट मास्टर था वो हिले. द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉयज एंड न्यू फ्रेंड्स टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर चैरिटी इसलिए जो पोस्ट मास्टर था उसने खुद अपनी जो सैलरी का एक पार्ट था वो डोनेट किया था, और अपने जो एम्प्लॉयज थे और अपने जो फ्रेंड्स थे जो चैरिटी करना चाहते थे उनको बोला था कि वो इस काम में उसकी मदद करें, इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें. ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. वो बहुत ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील करता है. व्हेन लैंचो रिसीव द मनी, जब लैंचो जो है उसको पैसे मिलते हैं. दिस शो दैट ही वॉज काइंड एंड एम्पथेटिक पर्सन. ये शो करता है कि वो जो काइंड है और बहुत ही एम्पथेटिक होता है, मतलब जो अपने आप को दूसरों की जगह पर रख कर सोचते हैं कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो कैसा लगता. तो दैट इज़ एम्पथेटिक. जो वो शो करता है कि वो कितना काइंड और एम्पथेटिक इंसान है. ही लव टू हेल्प, उसको बहुत अच्छा लगता था दूसरों को हेल्प करना. हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लैंचो. जो पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे उसने लैंचो को कैसे हेल्प किया था. तो जो पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर था उसने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे और अपने जो फ्रेंड्स थे उनकी हेल्प से मतलब 70 पीसोस से उसको इकट्ठा किया था और उसको एक एनवलप में रख के जो लैंचो था उसको भेजा था. हाउ डिड ही रिएक्ट टू देयर हेल्प. और जो लैंचो था उसने कैसे रिएक्ट किया था, मीन्स लैंचो ही बिकम वेरी एंग्री व्हेन ही रिसीव द 70 पीसोस बिकॉज ही थॉट दैट द गॉड कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक. क्योंकि उसको लगता था कि जो भगवान है वो कभी कोई मिस्टेक नहीं कर सकते थे. दैट्स वाई ही कॉल देम एज अ बंच ऑफ क्रूक. इसलिए उसने उनको बंच ऑफ क्रूक्स भी बुलाया था. ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ है इसमें, एक बार इसको रीड कर लेना. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो इसमें लिखा है आपको एज इट इज़ लिखना है. यू हैव टू राइट द आंसर इन योर ओन लैंग्वेज. अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बट द थिंग इज दैट इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. घुमा फिरा के आंसर्स वही हैं, एक बार इसको रीड कर लेना. हाउ डिड हेल स्टॉर्म अफेक्ट लैंचोज फील्ड. जो हेल स्टॉर्म थे उसने लैंचोज के फील्ड को कैसे अफेक्ट किया था, मीन्स द हेल स्टॉर्म दे टोटली डिस्ट्रॉयड द फील्ड ऑफ लैंचोज. ने कम्प्लीटली मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था. वट वॉज लैंचोज ओनली होप. लैंचोज ओनली होप वॉज बिलीव ऑन गॉड. उसकी एक ही उम्मीद थी, दैट इज़ द हेल्प फ्रॉम गॉड. क्या उम्मीद थी उसकी? हेल्प फ्रॉम गॉड. ये इसमें लिखा हुआ है बस. लैंचो हार्ड वर्किंग फार्मर वर्क लाइक एन ऑक्स फॉर अ गुड हार्वेस्ट डिपेंड कम्प्लीटली ऑन हिज फील्ड्स टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली. जो लैंचो था वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था. वो बहुत मेहनत करता था अपने खेतों में और जो उसकी फसल थी उसी के ऊपर वो डिपेंड रहता था और अपनी जो फैमिली थी उसकी केयर कर पाता था. ही एक्सपेक्टेड अ गुड हार्वेस्ट दैट ईयर. ही नीडेड अ डाउनपोर ऑफ द फॉर द क्रॉप्स टू राइप, बट द रेन फॉलोड बाय हेलस्टॉर्म कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द क्रॉप. मतलब उसको डाउनपोर में इस बारिश की ज़रूरत थी ताकि उसकी जो क्रॉप है वो अच्छे से पक जाए, और लेकिन जो बारिश आई उसके बाद जैसे ही वो तूफान आता है, हेल स्टॉर्म आता है, मतलब ओले वाला तूफान आता है, उससे उसकी जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है. इट मेड हिम सैड. वो उसको बहुत उदास कर देती है. ही वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली एज ही लव्ड देम सो मच, बट लैंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड एंड बिलीव दैट नोबडी डाइड ऑफ हंगर. लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिंतित होता है अपनी फैमिली के बारे में क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है. लेकिन जो लैंचो है उसको एक फर्म फेथ है भगवान के ऊपर. वो विश्वास करता है कि कोई भी इंसान जो है वो भूख से नहीं मरता है. सो ही डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड. इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भगवान से मदद मांगेगा. ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क हिम फॉर 100 पीसोस टू सर्वाइव एंड सो न्यू क्रॉप. इसलिए वो एक लेटर लिखता है भगवान को और उनसे मदद मांगता है, उनसे पैसे 100 पीसोस की डिमांड करता है ताकि वो मतलब पूरे साल सर्वाइव कर सके और जो नई क्रॉप है उसको ग्रो कर सके. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये कई बार आ जाता है एग्जाम में. ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, दैट इज़ वट वी गेट टू नो आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड. मतलब इंसानियत अभी भी एग्जिस्ट करती है
इंसानियत अभी भी है इस दुनिया में, और ये हमें मतलब ये जो लेटर टू गॉड वाली स्टोरी है इसको पढ़ के हमें पता चलता है। इन विच फर्म फेथ इन गॉड ऑफ अ पुअर फार्मर एंड हेल्पफुलनेस ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर एप्टली डिपिक्टेड थॉट। मतलब जिसमें कि जो फेथ है पुअर फार्मर का और जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब उस ये जो दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं ये इस थॉट को पूरी तरीके से अच्छे से शो करती हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यू ऑन द वैल्यूज इन इट। मतलब आपको एक पैराग्राफ लिखना है इनके बारे में, वैल्यूज बता दें, वही सारी चीज़ें लिखनी है जो आपको स्टोरी में दी हुई है। मीन्स आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड आवर फेथ इन ह्यूमैनिटी स्टिर्स फॉर स्ट्रॉन्ग। कहते हैं जो लेटर टू गॉड वाली स्टोरी रीड करने के बाद जो हमारा विश्वास है इंसानियत के ऊपर वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट देर स्टिल आर पीपल हु हेल्प अदर्स विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। इससे हमें यह पता चलता है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं बिना अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखे, बिना अपना बारे में सोचे। द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ले एन एग्जाम्पल फॉर एवरी वन फॉर अस टू बी काइंड। मतलब जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने बहुत एक अच्छा सा एग्जाम्पल हमें दिया है कि हमें दूसरों के लिए कैसा होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, उनके लिए दयालु होना चाहिए। दो दे आर लाफ्ड एट हिज लेटर दे वर रियली मूव्ड बाय द ग्रिप ऑफ फेथ लैट यू हैड इन गॉड। मतलब हालांकि पहले तो वो उसके लेटर के ऊपर हंसने लगे थे, लेकिन बाद में मतलब जो उसका ग्रिप था, फेथ था, मतलब जो उनका लंचो का जो विश्वास था भगवान के ऊपर, उससे वो मतलब काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। द वे दे ऑल डिसाइडेड टू हेल्प द स्ट्रेंजर इन हिज हार्ड टाइम्स रीस्टोर्स आवर फेथ इन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब जिस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक अजनबी को हेल्प करेंगे उसके मुश्किल टाइम में, वो हमें शो करता है कि जो हमारा जो विश्वास है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है इंसानियत के अंदर, एंड मोटिवेट्स अस, और हमें मोटिवेट करता है टू बी नोबल एंड काइंड पर्सन, कि हमें एक नोबल और काइंड पर्सन होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब लेंचोस क्वालिटी इन द लाइट ऑफ फेथ इन गॉड। लेंचोस की क्वालिटीज काइंड ऑफ मतलब वही है कैरेक्टर स्केच काइंड ऑफ थिंग। वॉज लेंचोस रिएक्शन टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज राइट, कि अब लेंचो का रिएक्शन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की तरफ ठीक था? नो, इट्स नॉट एट ऑल करेक्ट। वो हम ऑलरेडी शॉर्ट आंसर में कर चुके हैं, तो उसी को थोड़ा सा आपको डिटेल में इसको लिखना है। वही सारी बातें हैं, दैट लंचो वॉज अ पुअर फार्मर हु टोटली डिपेंड ऑन द हार्वेस्ट टू सर्वाइव एंड फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली। जो लंचो एक वो गरीब फार्मर है जो कि टोटली अपनी फसल के ऊपर डिपेंड करता है ताकि वो अपनी जो फैमिली की नीड्स है उसको पूरा कर सके। वंस हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड हेल स्टोन्स एंड ही वॉज अफ्रेड टू थिंक हाउ हिज फैमिली वुड सर्वाइव। एक बार जब उसकी सारी जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं क्योंकि बहुत तेज बारिश आ जाती है और उसके बाद हेल स्टोन्स आ जाते हैं, तो वो बहुत डर जाता है ये सोच कर कि उसकी जो फैमिली है पूरा साल कैसे सर्वाइव करेगी। ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन दिस प्लाइट। वो विश्वास करता है कि जो भगवान है उसकी इस प्लाइट में, इस दशा में उसकी हेल्प करेंगे। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, ही बिलीव दैट गॉड वुड नॉट लेट हिम बी हंग्री। उनको पूरा विश्वास होता है भगवान के ऊपर, उनका विश्वास होता है कि जो भगवान है वो उसको भूखा नहीं रहने देंगे। नाउ डेज फेथ इन गॉड लाइक लेंचो इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड अनसीन। मतलब आज के दिन में अगर हम बात करें भगवान के ऊपर विश्वास की, तो लेंचो जैसा विश्वास शायद ही हमें देखने को मिलेगा, और वो इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट देखने के लिए, नहीं मिलता है ऐसे लोग। पीपल आर वेरी मच अवेयर दैट नोबडी इज़ विलिंग टू हेल्प अदर्स। मतलब लोगों को इस बारे में बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी दूसरों की मदद नहीं करना चाहता है विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, बिना अपना इंटरेस्ट देखें। लेंचो's रिएक्शन टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वॉज नॉट राइट और जस्टिफाइड। लेकिन जो लेंचो का रिएक्शन था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं था और कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था। But it was just because of his innocence, as he could not believe that God had done such a mistake. मतलब वो उसकी innocence थी कि वो इस चीज़ के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि जो भगवान है वो कभी भी गलती कर सकते हैं। उसको पूरा विश्वास था कि भगवान कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। इट वर ऑनली द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, इसलिए उसको लगता था कि वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ही हैं who had stolen
मनी अकॉर्डिंग टू हिम, जिसने कि उसके बाकी के जो 30 पीसेज हैं उसको चुराया. सो दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर. मतलब ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए, ऑलरेडी इसकी समरी हमने कर लिया. आई डोंट थिंक नाउ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर. स्टिल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, तो आप मुझे पूछ सकते हो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.